तो चलिए हमारी इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर डी के गुप्ता चेयरमैन हैं, फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी के हमारे साथ। डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और प्रवेश मलिक जी हैं, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। शुरुआत डॉक्टर डी के गुप्ता आप ही से। सबसे पहले तो ये बताएं, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि अगर हम एक प्रदूषित इलाके में प्रदूषित जगह पर रहते हैं तो उम्र कम होती है, 3 से लेकर 12 साल तक की उम्र कम हो रही है इंसानों की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नवजोत जी। अगर हम बात करें तो दुनिया में जो 30 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हैं उनमें 21 इंडिया के अंदर आते हैं। अगर 20 सिटीज की बात करते हैं तो 13 इंडिया के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है। और इंडिया की जो लगभग 10% पॉपुलेशन, मतलब लगभग 15 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है जो 10 टाइम जहरीली हवा को इनहेल कर रही है, मतलब सांस ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज बात करें, अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो 51% जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से आता है। 27% जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स उनकी वजह से आता है। 17% जो आसपास जो हमारे जो नियर बाय स्टेट्स हैं जहाँ पे क्रॉप बर्निंग होती है उनकी वजह से आता है। और 5% अदर सोर्सेस से आता है। तो पता है हमें कारण क्या है, फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया में हर साल जैसा आपने बताया लगभग मिलियंस ऑफ पीपल, लगभग दो मिलियन मतलब 20 लाख लोगों की डेथ जो है प्रीमेच्योर हो जाती है, मतलब 10 से 12 साल की एज कम हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। एक ग्लोबली ये 3 है, रफली 3 क्या नाम है 3 साल के आसपास है। और इंडिया में ज्यादा 10 से 12 साल है। तो प्रीमेच्योर डेथ का बर्न द मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ पे क्या इफेक्ट आते हैं, तो हेल्थ पे सर से लेकर पैर तक हर बॉडी के हमारे अंग को, हर बॉडी की कोशिका को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उनको बीमार बनाता है और हमारी कहीं ना कहीं बीमारियों का एक जहर जैसा पूरी बॉडी में घोल देता है। बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन में प्रीमेच्योर जो डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बच्चे गर्भ में पैदा है वो भी इसे छूते नहीं है। गर्भ के अंदर बच्चों को भी प्रीमेच्योर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो सकता है, उनको कंजनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, बहुत तरह के फ्यूचर में शिकार हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती है जिसकी वजह से बच्चों को सेप्टिसीमिया, जॉन्डिस, बर्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सीओपीडी, अस्थमा, एलर्जी, ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है। ये तो ऐसे और इसकी इसी के साथ साथ देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब लौटती हूँ, इसी के साथ साथ अभी देखिएगा जब चेंज ऑफ वेदर आ जाएगा, जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी, जिसके लिए हालांकि सरकार कह रही है कि हम प्लानिंग अभी से कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होते हैं? सबसे पहली बात बच्चे, एस्थमेटिक पेशेंट्स और बुजुर्ग लोग। रिएक्शन डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर, एक तो मैं पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना कम, मतलब इतना समय पहले आपने जागृत करने की कोशिश करी, सरकार को जगाने की कोशिश करी है, फिर भी ये नहीं जाएगी। जैसा आप बोल रहे हैं 2-3 मिनट वो ही हालत होगी जो हर साल दिल्ली की होती है, गैस चैम्बर। नहीं सर, देखिए गुड न्यूज टुडे की कोशिश यही है कि हम बार बार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएं, ताकि कम से कम आप सब जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी राय यहाँ पर रखेंगे, अपने कंसर्न्स यहाँ पर रखेंगे और आप अपनी तरफ से सॉल्यूशंस भी यहाँ पर देंगे। कम से कम ये शो हमारा सरकार देखे और उन तक भी ये आवाज पहुंचे कि उपाय क्या हो सकते हैं और क्यों है ये अलार्मिंग सिचुएशन और क्या हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं फिर बताऊंगा कि जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसा अभी बहुत सारे जो हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने बोला है कि जैसे थॉट होता है ना, थॉट जब हमारे दिमाग में आता है उसके बाद फीलिंग्स आती हैं, फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगह हम लोग तरक्की कर रहे हैं, बट जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, खासकर जो प्रिवेंटिव प्रॉब्लम्स है उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं, वहां हम लोग पीछे चले जाते हैं। क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, बजट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, उनका कोई रिव्यू नहीं है, उनका कोई ऑडिट नहीं है। जब ये सब चीजें नहीं होंगी सिस्टम प्रोसेस में, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। इससे क्या करते हैं, जब भी नवंबर दिसंबर आता है अक्टूबर में, उस समय हल्का सा क्या करें, छिड़काव कर देंगे पानी का दिखाने के लिए, या ऑडिमन कर देंगे, या कुछ दिनों के लिए कुछ डीजल के व्हीकल को बैन कर देंगे, या इंडस्ट्रीज को मना कर देंगे, नोटिस चले जाएंगे। सिर्फ दिखावा होता है, सिर्फ खराब पूर्ति होती है लोगों को कवर अप करने के लिए। अगर सच में ही सीरियसली लेना है तो एक 5 साल का 10 साल का लंबा प्लान बनना चाहिए कि कौन सारी इंडस्ट्रीज को बाहर करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे सब्सिडीज देनी है, सीएनजी व्हीकल्स को कैसे बढ़ावा देना है, किस तरह से हमें प्लांटेशन ड्राइव चलानी है, किस तरह से लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, क्या पॉलिसीज और होनी चाहिए, कैसे कार पूलिंग करवानी है,
किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसको हम बचाएं हर तरह से। खाली वायु प्रदूषण नहीं होता, इससे हम पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं जैसा सब लोगों को बताया। तो कहीं ना कहीं एक मेजर इच्छा शक्ति की कमी है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है, आप जैसे लोगों का है, कि हम जनता को जगाएं, सरकार को जगाएं और जितने बाकी लोग भी, जितने सेलिब्रिटीज हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भी इन्फ्लुएंसियल लोग हैं, उनको जगाएं और एक मुहिम चलाएं, अच्छे से अभी से चलाएं। उधर 2 महीने में कुछ रिजल्ट दिखे हमें और हर साल अगर ऐसा होगा तो कुछ सालों में हम लोग शायद इस पॉल्यूशन जैसे बड़े गिद्ध को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सभी हमारे साथ आए और आपने बहुत अच्छे और वैल्यूएबल सजेशंस भी दिए हैं। सबसे पहली बात तो इच्छा शक्ति जरूरी है, अच्छी प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो यकीन मानिए कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। और ये गुड न्यूज टुडे की मुहिम है जो हमने आज से शुरू की है, कोशिश यही है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।